तो सबसे पहली चीज़ तो C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होती है ज़रा सा आगे देखेंगे हम और दुनिया की टॉप की लैंग्वेजेस में शामिल होती है क्योंकि ये बहुत लार्ज स्केल एप्लीकेशंस को बनाने में यूज़ होती है सी uh, लैंग्वेज का सुपर सेट कहलाती है यानी सी लैंग्वेज के अंदर जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को ऐड किया गया तो उसको हमने सी प्लस प्लस कहा और नाइनटीन ऐटी फाइव में आई गया इसकी रिलीज़ हुई थी सेवेंटी नाइन टू एटी फाइव के बीच में ये रिलीज़ हुई थी यानी अच्छी खासी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बट आज भी ये यूज़ होती है और बहुत बहुत सारी मेजर एप्लीकेशन में यूज़ होती है इंक्लूडिंग गेम डेवलपमेंट इंक्लूडिंग लार्ज स्किल एप्लीकेशन जैसा कि सामने लिखा हुआ है यानी कि जो बड़ी कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे ब्राउज़र्स वगैरह होते हैं उनको बनाने में सी प्लस प्लस का इस्तेमाल होता है इसके अलावा एक मेन वजह यह होती है इसको सीखने की अगर आप प्रोग्रामिंग सीखना शुरू करना चाहते हैं तो सी या सी प्लस प्लस से शुरू करवाया जाता है ऑलमोस्ट सब जगह दुनिया भर में यूनिवर्सिटीज़ के करिकुलम में या नाइन मैट्रिक में जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि आपके करिकुलम में अगर शामिल है आ, ये सी प्लस लैंग्वेज की वजह यह है कि अगर आप यहाँ से सीखना शुरू करेंगे तो आपके फंडामेंटल्स जो है प्रोग्रामिंग के वो बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएंगे उसके बाद जितनी चीज़ें हम यहाँ सीखेंगे स्पोर्ट्स में जैसे कि कंडीशन कैसे लगती हैं लूप्स क्या होते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं वही तमाम कॉन्सेप्ट आपके बाकी सब लैंग्वेज में यूज़ होते हैं चाहे आप आगे जावा सीखें पाइथन सीखें कुछ भी सीखें आप अगर आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो सब जगह वही यूज़ होते हैं सिंटेस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है खाली ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है कि ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस को यूज़ करते हुए अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं फॉर एग्जांपल मैं कुछ इमेजेस शायद यहाँ लगा देता हूँ अभी ऊपर एक गाड़ी है एक एक गाड़ी नहीं बहुत सारी गाड़ियाँ एक शोरूम में उन सारी गाड़ियों का डेटा हमें एक जगह ऑर्गेनाइज़ करना है और हमें कोई ऐसी एप्लीकेशन बनानी है कि उन सबका डेटा जो है ना वो हम बार बार एक्सेस कर सकेंगे डिफरेंट कामों के लिए कि दुनिया भर में उन उनका जो डेटा है वो ज, चला जाए वेबसाइट्स के ऊपर उनकी जो प्राइसेस हैं वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएँ इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर बनाना है हमने किसी शोरूम के लिए अब सी प्लस पर हमें क्या अलाउ करेगी कि हमने एक क्लास बनाई सिर्फ एक क्लास एक क्लास एक दफ़ा बनेगी जिसका नाम रख दिया कार उस क्लास के अंदर हम बताएंगे कि भाई इस क्लास की ये चार प्रॉपर्टीज़ होंगी इस गाड़ी की कीमत क्या है इस गाड़ी की कंपनी कौन सी है इस गाड़ी की टॉप स्पीड क्या है और इस गाड़ी का जो माइलेज है वो क्या मिलता है हमें फ्यूल के ऊपर एग्जाम्पल दे रहा हूँ ऑब्वियसली बात है गाड़ी की और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो आपने क्लास के अंदर वो चार प्रॉपर्टीज़ ऐड कर दी जो कि उनके वेरिएबल्स हैं जो कि डेटा स्टोर कर रहे हैं अब हमें जितनी गाड़ियाँ उस शोरूम में ऐड करनी है लेट सपोज उस शोरूम के अंदर पंद्रह गाड़ियाँ आती हैं तो वो पंद्रह की पंद्रह गाड़ियाँ अलग अलग ऑब्जेक्ट बन जाएंगी और जैसे ही वो ऑब्जेक्ट बनेंगी तो हर ऑब्जेक्ट का फौरन उसकी स्पीड उसकी जो हमने लिखा था माइलेज और सब कुछ के नाम से वेरिएबल्स ऑर्गेनाइज तरीके से बन जाएंगे उनको हम एक्सेस कर सकते हैं बड़ा आसानी के साथ सिक्योरिटी भी बेहतर होगी स्पीड तो भी काफ़ी तेज़ होगी आपके प्रोग्राम की यह है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फायदा और आई डोंट थिंक कि इससे ज्यादा आसान तरीके से आप एक्सप्लेन मजीद किया जा सकता है होपफुली आपका अंदाजा हो गया कि ऑब्जेक्ट और क्लासेस क्या होती हैं और प्रोग्रामिंग के अंदर हम उनका डेटा किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं लिखा फर्स्ट इज एटी तो आगे बढ़ा

और अब यकीन आप जो है खुद भी रिसर्च कर सकते हैं कि जिस वक्त आप ये कोर्स देख रहे हैं उस वक्त क्या मार्केट चल रही है कौन सी लैंग्वेज जो हैं वो ज़्यादा इन डिमांड हैं और सिर्फ दस वक्त ऐसी लैंग्वेज नहीं है जल्दी ख़त्म होने वाली है बहुत सा बहुत पुरानी लैंग्वेज है तीस साल पुरानी लैंग्वेज है हमने देखा और आज तक चल रही है आज भी एप्लीकेशन बन रही हैं और अगर आप ये सीख लेते हैं तो फ्यूचर में भी आप इसको बहुत सारी जगहों पर यूज़ कर सकते हैं सो अगेन जो सारी बातें मैंने बताई कि इसकी इसकी जो मेन एडवान्टजे है कि इसकी मेमोरी एफिशंसी क्योंकि हम ऑब्जेक्ट्स को बना के हम काम करते हैं और दूसरा इसकी स्पीड जो जो एप्लीकेशन हमने ज़्यादा तेज़ चलानी होती हैं ऐसी चीज़ें है जो कि हमने ज़्यादा तेज़ करनी है उन एप्लीकेशन को सी प्लस्टर्स पर जनरली बनाया जाता है तो फॉर एग्ज़ाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम है कुछ गेम्स होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर काम आती है डेटा स्ट्रक्चर्स बनाने में काम आती है आगे बढ़ते हैं जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे बस हो गई थी थ्योरी होनी थी इससे ज़्यादा मैं इसको ड्रैग नहीं करूँगा पाँच मिनट दस मिनट बहुत से बहुत उसके बाद जो है हमारे पास आई डी आई डी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट यानी कि वो सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर हम लिख रहे होंगे अगर आप ये मेरा कोर्स देख रहे हैं मोबाइल के ऊपर किसी ऐप में देख रहे होंगे यूट्यूब होगी या कोई और ऐप है तो वो जो ऐप है वो क्या है एक सॉफ्टवेयर है अगर आप ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहे हैं जो कंप्यूटर पे गूगल क्रोम है वो क्या है एक सॉफ्टवेयर है तो जो इन्वायरमेंट जो सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करेंगे अपनी प्रोग्रामिंग को करने के लिए उसको कहते हैं आई और वो जो हम इस कोर्स के अंदर यूज़ करेंगे उसका नाम होगा विजुअल स्टूडियो कोड आप डाउनलोड कर सकते हैं मैं आगे आपको दिखाऊँगा भी किस तरह आप डाउनलोड करना है थोड़ा सा इसका प्रोसेस होता है और बस ठीक है तो आई ही हम यूज जो यू जो यूज़ करेंगे वो है विजुअल स्टूडियो कोड उसके बाद आ जाते हैं हम कंपाइलर आईडी के अलावा आपको एक चीज़ और चाहिए होगी कंपाइलर कंपाइलर क्या करता है हमारे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है तो ऐसे समझ लें बड़े आसान तरीके से कि अगर आप चाइना जाएं और चाइना जाने के बाद आपको किसी से बातचीत करनी है अब हम बात कर रहे हैं उर्दू के अंदर या हिंदी के अंदर जो भी अगर आप कोई मेरा कोर्स देख रहे हैं अगर आप चाइना जाते हैं और उस बंदे को सिर्फ चाइनीज आती है अब कैसे बात करेंगे नहीं कर सकते उसको या तो हम इशारों में समझाएंगे या कुछ और करेंगे या एक तरीका ये है कि बीच में हम एक ट्रांसलेटर रख लें ट्रांसलेटर क्या करेगा आपने जो बोला वो ट्रांसलेट करेगा उस चाइनीज़ को समझाएगा चाइनीज जो बोलेगा वो उससे समझ के आपको समझाएगा यही काम कंपाइलर करता है कंप्यूटर के अंदर आप जो लैंग्वेज लिख रहे हैं भाई ये जो आपने सी में लिख दी पाइथन में लिख दी जो भी लैंग्वेज सीखी वो लैंग्वेज कंप्यूटर को कौन समझा है कंप्यूटर को लैंग्वेज नहीं आती कंप्यूटर सिर्फ बात करता है मशीन लैंग्वेज में जो कि जीरो वन जीरो वन होती है जीरो वन भी वो क्या होते हैं बेसिकली आपको अभी तक ये समझा होगा जीरो वन जीरो वन लेकिन आप कंप्यूटर खोलें मोबाइल खोलें आपको कहीं जीरो वन तो नहीं नजर आते क्या ना जीरो वन लगे हुए हैं या जीरो वन चल रहे हैं जीरो वन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि कंप्यूटर काम करता है इलेक्ट्रिसिटी पे है ना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कंप्यूटर तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैसे काम करती है कंप्यूटर को आप जितना भी खोल लें माइक्रोस्कोप से देख लें उसमें आपको नजर आएंगे डिफरेंट तरह के पास जा रहे हैं मदरबोर्ड को देखेंगे डिफरेंट तरह के रस्ते जा रहे हैं जिसमें से करंट गुजरता है तो ज़ीरो वन जीरो वन क्या होता है बेसिकली कि जहाँ जीरो का मतलब ये होता है करंट नहीं है वन का मतलब करंट है यानी उस उस तार के अंदर दो बात हो सकती है ना या तो करंट नहीं आ रहा या करंट आ रहा है अगर करंट नहीं आ रहा तो उसको हम कहते हैं जीरो करंट आ रहा है तो कहते हैं वन और कंप्यूटर उसी जीरो और वन यानी करंट आ रहा है और नहीं आ रहा इन दो स्टेजेस के अंदर वो काम कर रहा होता है इसलिए वो जीरो वन की लैंग्वेज को समझता है लेकिन आपने तो यहाँ अंग्रेजी लिख दी सी लैंग्वेज लिख दी अब उसको कैसे समझेगा एक कंपाइलर के नाम से तो सॉफ्टवेयर आपको चाहिए होगा कोई भी लैंग्वेज उसमें आपको चाहिए होगा जो कि आपकी ज़बान को ट्रांसलेट करेगा और जीरो वन में कंप्यूटर को देगा कंप्यूटर जो एयर वगैरह देगा वो उसको पढ़ेगा और आपको देगा तो उसको कहते हैं कंपाइलर तो कंपाइलर हमारे पास सॉफ्टवेयर कहते हैं वो भी हम इंस्टॉल करेंगे डेट्स इट येट डेट्स इट इट फॉर द थ्योरी अब शुरू कर देंगे बस हम जब मैंने सारी बातें बताएंगे आपके काम आएंगे आगे तो आपको थोड़ा सा इसका क्या कहते हैं आइडिया रहना चाहिए कंपायलर क्या होता है आई क्या होता है सी प्लस प्लस कोई सीख रहे हैं अगर आप अच्छे से तो पता तो हो सी प्लस प्लस कब बनी थी क्या लैंग्वेज होती हैं इस इस मैंने सेगमेंट ऐड किया था अगली क्लास में हम देखेंगे कि अपने सॉफ्टवेयर को कैसे हमने सेटअप करना है कंप्यूटर के अंदर तो चलें अगली क्लास में हम शुरू करते हैं